कोई नई निबंधन डोनर बन के आ रही है। तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि जयराम ठाकुर ने बागी विधायकों का जो मोल लगाया था, उस आधार पर वो कुर्सी प्राप्त करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। अब वो बार बार भाग रहे हैं कि इन विधायकों का तो मैंने भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। और सुजानपुर से राजेंद्र राणा को अब याद आ रही है तो कई नई दुल्हन बनकर आ रही है। ये नौटंकियां इसलिए की जा रही हैं ताकि जयराम ठाकुर अपनी नाक बचा सके। तो आज उनको इसलिए हुए कि बिके हुए एमएलए जिनके जो उन्होंने उनका मोल लगाया था उसके आधार पर वो कुर्सी जो प्राप्त करना चाहते थे, और जब वो ये चुनौती देते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उस भगवान ने जब हमारी सरकार बनाई बचाई, और जयराम जी को जब ये लगा कि सत्ता की जो भूख है, जो कुर्सी की भूख है, उससे वो पिछड़ गए, तो अब बार बार वो भाग रहे कि इन छः का तो मैंने भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब चुनावों के वक्त अगर राजेंद्र राणा जो है, वो क्या नाम बिका हुआ हमारे जो विधायक है जो सुजानपुर से है, वो अब उनको याद आ रही है, और कोई नई निबंधन धुनर बन के आ रही है। तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। पर हिमाचल की जनता जानती है, जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, हिमाचल का जनमानस जागरूक है। हर पांच साल के बाद सरकार को बदलता है, और 5 साल के लिए वो सरकार को बनाता भी है। अब हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी कि क्या उनको पैसे के दम वाली विधायक चाहिए जो बिकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, हिमाचल की सरकार ने 15 महीने अच्छा काम किया, और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे तब दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे।